सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वर्कआउट वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूँ और आज के वर्कआउट वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट शेड्यूल जो मैंने आप सभी लोगों के लिए डिजाइन किया है स्पेशली फॉर आर्म्स ट्रेनिंग, क्योंकि हम सभी को चाहिए अच्छे आर्म्स। जब भी आप टी शर्ट पहनते हो दिस द एरिया जो सबसे ज्यादा विजिबल होता है, जिसकी वजह से आप जिम में आर्म्स ट्रेन करना कभी इग्नोर नहीं करते। पर वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी छोटी मिस्टेक्स जो हमसे ना चाहे भी हो जाती है, जिसकी वजह से एक्चुअली जितना हार्डवर्क हम करते हैं उतना आपका आर्म्स ग्रो नहीं हो पाता। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एक सवाल जो हमेशा लोग मुझे करते हैं कि क्या कम वेट लेके ज्यादा रेपिटेशन करें या ज्यादा वेट लेके कम रेपिटेशन कर लें। इस कंफ्यूजन से बाहर निकल आओ और आज का वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करना और मुझे बताना। आज के वर्कआउट शेड्यूल में नंबर ऑफ एक्सरसाइज हम करेंगे 6, जिसमें 3 एक्सरसाइज होंगी बाइसेप्स मसल के लिए और 3 होंगी ट्राइसेप्स मसल के लिए। जितनी भी 6 एक्सरसाइजेज हैं उसमें कंपाउंड एंड आइसोलेशन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आप सभी लोगों को दिया गया है विद लो रेपिटेशन रेंज टू हाई रेपिटेशन रेंज। और ये मेरा प्रॉमिस है कि ये वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करके आपको मसल में एक अच्छा सा पंप फील होगा और आपका आर्म्स अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। वर्कआउट के शुरुआत में हम पहले बाइसेप्स मसल को ट्रेन करेंगे, पर आप मेन एक्सरसाइज पे जाने से पहले वार्म अप जरूर कर लें, जिसमें आप एक लाइट वेट लेके 15-20 रेपिटेशन कर्ल करेंगे। अब पहली एक्सरसाइज हमारी होगी हैमर डंबल कर्ल, जिसको आप स्ट्रेट खड़े होकर करेंगे, कोर टाइट, चेस्ट लेफ्ट एंड डंबल लिफ्ट करेंगे फुल रेंज ऑफ मोशन, मसल को स्क्वीज करेंगे एंड जस्ट होल्ड इट हियर एंड ब्रीद आउट एंड फिर डंबल को आराम से रिलीज करेंगे। सेम मूवमेंट आप दूसरे हाथ से भी परफॉर्म करेंगे इन अ कंट्रोल वे लाइक दिस। जल्दबाजी ना करें, वेट को कंट्रोल करें एंड मसल को टारगेट। हमारे यहां पे 4 वर्किंग सेट होंगे। हर सेट में हमारा रेपिटेशन रेंज जो रहेगा वो रहेगा 6-10, पर हर सेट में आप थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा के मसल को अच्छे से फटीग करने की कोशिश करें। सेकेंड एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं बारबल कर्ल। इस एक्सरसाइज में भी आप थोड़ा हैवी वेट पे जा सकते हो, आपका रेपिटेशन रेंज रहेगा 6-10, पर बहुत ही ध्यान से परफॉर्म करें तभी आप अपने मसल को टारगेट कर पाओगे। मैं आपको करके दिखा देता हूं। दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस होगा शोल्डर विड्थ, उसके बाद आप बार को फुल रेंज ऑफ मोशन लिफ्ट करेंगे, एल्बोज को ज्यादा मूव ना करें, बहुत ही ध्यान से रिलीज करें, बट एक बात का ध्यान रखें कि आपकी अपर बॉडी मूव ना करे। लिफ्टेड अप स्लोली जस्ट स्क्वीज योर बाइसेप्स एंड ब्रीद आउट एंड आराम से रिलीज करें। और आपको इस एक्सरसाइज के 3 सेट परफॉर्म करने हैं। बाइसेप्स मसल की थर्ड एंड लास्ट एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है क्लोज ग्रिप रिवर्स पुलअप्स। बस इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने आप को पुल करोगे तो आपको बाइसेप्स की स्ट्रेंथ से अपने आप को पुल करना है। मैं आपको करके दिखाता हूं। एक अच्छे से ग्रिप ले लें, हैंग हो जाए एंड उसके बाद बाइसेप्स की स्ट्रेंथ से अपने आप को पुल करें एंड बाइसेप्स मसल को पूरा स्क्वीज करें। जब भी ऊपर आते हो तो ब्रीद आउट। जैसे आपने पहले 2 एक्सरसाइज में रेपिटेशन रेंज लो रखी थी, पर आपको इस एक्सरसाइज में रेपिटेशन रेंज को थोड़ा हाई रखना है, जो कि होगी 12-15, और आपके जो नंबर ऑफ सेट्स होंगे वो होंगे 2,
अगर आप इस एक्सरसाइज को सेल्फ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी की हेल्प से भी कर सकते हो। बाइसेप्स मसल के बाद अब हम अपने ट्राइसेप मसल को ट्रेन करेंगे, जिसकी पहली एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप पुश डाउन, जिसमें हम इस तरह का वी हैंडल का यूज करेंगे। बट अगर आपके पास वी हैंडल नहीं है तो आप रोप भी अटैच कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि ट्राइसेप मसल की पहली ही एक्सरसाइज हम करेंगे हाई रेपिटेशन रेंज, मतलब हर सेट में आपको 15 से 20 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं। करने का तरीका सिंपल है, नी सॉफ्ट, पेल्विक बोन बेंड करेंगे, एल्बोज फिक्स, उसके बाद हैंडल को मैक्सिमम नीचे लेके आएंगे टिल द टाइम आपका एल्बो सीधा ना हो जाए, एंड स्क्वीज योर ट्राइसेप मसल एंड ब्रीद आउट, जस्ट कीप डूइंग। नंबर ऑफ सेट्स आप यहां पे करोगे 3। ट्राइसेप मसल की सेकेंड एक्सरसाइज हम यहां पे कर रहे हैं क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। बस आपको ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज में हम लो रेपिटेशन रेंज करेंगे, जो कि होगी 6 to 10। तो वेट आप अकॉर्डिंगली चूज करें, मैं आपको करके दिखा देता हूं। स्लाइड डाउन। अब यहां पे ध्यान रखना है कि बार को बहुत ज्यादा क्लोज ना पकड़ें, इससे आपकी रिस्ट में स्ट्रेन आ सकता है। तो एक नॉर्मल ग्रिप लें, जो कि हो सकती है 8 inches के आसपास। बार को स्ट्रेट नीचे ले आए, फोकस करें ट्राइसेप मसल पे, और यहीं से आप ट्राइसेप मसल की स्ट्रेंथ से बार को लिफ्ट करें। फुल रेंज ऑफ मोशन, जस्ट स्क्वीज योर ट्राइसेप एंड ब्रीद आउट, स्लो एंड स्टेडी। और आपको नंबर ऑफ सेट्स जो परफॉर्म करने हैं वो होंगे 3। ट्राइसेप मसल की थर्ड एंड लास्ट एक्सरसाइज हम यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं पैरेलल बार डिप्स। इस एक्सरसाइज में हम मॉडरेट रेपिटेशन रेंज करेंगे, जो कि होगी 10 से 12। दो चीजों का एक्सरसाइज करते हुए ध्यान रखना है आपको कि अपर बॉडी को बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना और एल्बोज को जितना हो सकता है थोड़ा क्लोज रखने की कोशिश करें। आराम से नीचे आए, पूरा ऊपर आए, एल्बोज को सीधा करें, जस्ट स्क्वीज योर ट्राइसेप मसल एंड ब्रीद आउट, बहुत ही कंट्रोल वे में। इस एक्सरसाइज के आपको नंबर ऑफ सेट्स परफॉर्म करने हैं 2। ये तो था हमारा वर्कआउट शेड्यूल, बट इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ मिस्टेक जो जनरली लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मसल ग्रोथ हैम्पर होती है। सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं, लिफ्टिंग टू हैवी, यानी वो ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में या एक दूसरे को देख के इतना ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट करने लग जाते हैं कि वो अपने मसल से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। इवन उनके जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाती है वर्कआउट के दौरान। ऐसा ना करें। मैं मानता हूं हैवी लिफ्ट करना चाहिए, बट आपको एप्रोप्रिएट वेट चूज करना है अपने लिए, सो दैट आप वेट को कंट्रोल कर पाओ और मसल से लिफ्टिंग के दौरान कनेक्ट बना पाओ। फर्स्ट मिस्टेक की वजह से आपसे हो जाती है सेकंड मिस्टेक, जो है पार्शियल रेंज ऑफ मोशन, मतलब आप हैवी लिफ्ट करने के चक्कर में रेपिटेशन को फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक्सरसाइज को फुल रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म करें, सो दैट आपका मसल अच्छे से ट्रेन हो पाए और ग्रो हो पाए। थर्ड मिस्टेक है टू मच एल्बो मूवमेंट, मतलब जब आप बाइसेप्स करते हो तो आप कर्लिंग के दौरान एल्बोज को बहुत ज्यादा लिफ्ट कर देते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। आपके एल्बोज फिक्स रहने से आपका मसल बेटर तरीके से ट्रेन होता है। सेम गोज विद द ट्राइसेप मसल, तब भी आप कोई भी ट्राइसेप की एक्सरसाइज करते हुए मैंने जनरली लोगों को देखा है कि वो एल्बोज को आगे पीछे मूव करते रहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। सो मींस बाइसेप्स हो या ट्राइसेप्स, दोनों में ही आपका टारगेट होना चाहिए कि आपकी एल्बो बहुत ज्यादा मूव ना करे। फोर्थ मिस्टेक है मोर फोकस ऑन केबल एंड मशीन। बहुत सारे लोग केबल्स पे और मशीन्स पे ही पूरा वर्कआउट खत्म कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। इवन एक अच्छा वर्कआउट शेड्यूल अपने लिए प्लान करें, जिसमें आप
मशीन्स का, केबल्स का और फ्री वेट का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट आपका मसल अच्छे से ट्रेन हो पाएगा, मींस हर हेड को आप अच्छे से ट्रेन कर पाओगे फॉर बेटर ग्रोथ। फिफ्थ मेजर मिस्टेक है ओवर ट्रेनिंग, मतलब लोग मसल को जल्दी बनाने के चक्कर में उसको हफ्ते में 3-3 बार ट्रेन करने लग जाते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि बाइसेप्स हो या ट्राइसेप्स, ये बहुत ही छोटे मसल हैं जो कि पुल एंड पुश के दौरान भी काम करते हैं, और ऊपर से आप इनको 3-3 बार ट्रेन करने लग जाते हो, जिसकी वजह से आपका मसल फटीक हो जाता है और रिकवर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपकी मसल ग्रोथ हैम्पर होती है। बट यस, आप इसको हफ्ते में 1-2 बार ट्रेन कर सकते हो अगर आपको आर्म्स की अच्छी ग्रोथ चाहिए। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, चैनल को आप सभी लोगों ने इतना प्यार किया, वीडियोस को इतना सराहा, थैंक यू सो मच दिल से। आज का वीडियो देखना और ये वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करने के बाद मुझे बताना आपको कैसा लगा, बट जो वीडियो के अंत में आपको मिस्टेक्स बताई गई हैं वो आप बिल्कुल ना करें, तभी आपके आर्म्स की बेटर ग्रोथ हो पाएगी। अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। गुड बाय, नमस्ते।